हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे है और गोलू का स्कूल आज से छुट्टी है, पंकज का तो ऑफिस चल रहा है। तो और ये वीक जो हो गया ना, पूरा ये वीक वो टिफ़िन लेके ही गए हैं, ऐसे नॉर्मली लेते नहीं है, बीच बीच में कभी कभार लेते हैं, नहीं तो लेते नहीं है, बट ये हफ्ता पूरा वो टिफ़िन लेके गए हैं। तो लंच भी मैंने उनके लिए बना दिया था, थोड़ा सा राइस बनाया, बाद में हम लोगों के लिए मैं बनाऊंगी, बट बना दिया था सुबह ही मैंने राइस, दालमा और जो चना आता है उसका बोड़ा, वो बना के मैंने दे दिया था। और ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा गोलू के लिए पास्ता बनाया था और हम लोग मूढ़ी खा लिए थे। मूढ़ी हम लोग के वहाँ पर बहुत खाते हैं, मूढ़ी मतलब पुप्ड राइस जो होता है ना, वो हम लोग बहुत खाते हैं वहाँ पर, हम लोग का उड़ीसा में बहुत खाया जाता है, तो बस वही हम लोग खा लिए थे। और यहाँ पे मैं ऑनियन हेयर मास्क लगा रही हूँ, थोड़ा बाल स्मूथ हो, कुछ अच्छा हो, बाल मेरा काफ़ी मतलब हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने एक महीने पहले डॉक्टर जाके दिखाया हुआ था, तो एक महीना हो गया है, फिर से सेकेंड विजिट मुझे करना है, तो जाऊँगी इसी हफ्ते फिर से दिखाने के लिए। दवाई दिया था एक महीने का, वो ख़त्म हो गया, खा लिया है, और लगाने वाला दवाई बस अभी कंटिन्यू चल रहा है, लगा रही हूँ, तो जाऊँगी फिर इसी हफ्ते में, सोच रही हूँ जाऊँगी दिखाने के लिए। तो मैंने देखे, लगाने के बाद मैं देख रही थी यहाँ पे कि मेरा कितने सारे बाल टूट रहे हैं, ये आदत है, मैं सब इकट्ठा करके देखती हूँ कि कितने सारे मेरे बाल टूटे हैं। तो बस नहाने के बाद वो हेयर मास्क जो है ना, मैंने 15 से 20 मिनट रखा था, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके, मतलब पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, 15-20 मिनट लिखे, उससे ज़्यादा नहीं, तो 15-20 मिनट मैंने रखा था, फिर धो दिया था। और बस नहाने के बाद थोड़ा सा गोलू का बॉडी लोशन आज मैं लगा ले रही थी, मेरा वाला ख़त्म हो गया है, और गोलू का जो बॉडी लोशन है ना बहुत अच्छा स्मेल करता है, बहुत पसंद है मुझे वो वाला, तो बस मैंने वो उसी का थोड़ा लगा लिया। आज कहीं तो जाना नहीं था, गोलू को स्कूल से भी लाने के लिए जाना नहीं था, कहीं नहीं जाना था, तो इसीलिए बस फेस में भी मैंने इतना कुछ लगाया नहीं, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा दिया और लिप्स में थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कर लिया था। और बाल को मैं अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इतना गर्मी हो रहा है ना, तो ड्रायर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सूख जाती है बाल। तो बाल देखिए मेरे कितने पतले हो गए, पहले जब मैं यूट्यूब नहीं बनाती थी तब मेरे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा कभी भी नहीं था, लेकिन इतने पतले भी मेरे बाल नहीं थे, इसलिए मैं काट के भी रखती हूँ क्योंकि बहुत झड़ता है ना बाल। तो अभी देखिए उसका लेंथ इतना है मेरे बाल का, नहीं तो पहले मेरे कमर तक बाल था और बहुत मोटा नहीं था, बट था, अच्छा था, इससे तो ज़्यादा ही था, इस लाभी जितना है इसका डबल मेरा बाल था, बट अभी बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया है। तो देखते हैं बाल का क्या होता है, दिखा तो रही हूँ मैं डॉक्टर को। तो देखिए बस मैं रेडी हो गई हूँ, बस 10-15 मिनट में देखिए बाल सूख गए, इतना गर्मी हो रहा है, मतलब यहाँ पर बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। तो बस अभी हम दोनों थोड़ा सा निकले चिकन लाने के लिए, सैटरडे है, गोलू का आज से ही छुट्टी स्टार्ट है, तो गोलू बोल, मैं चली फिश के लिए वेट की थी कि फिश मिले तो फिश ले लूं, बट अभी तक आया नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि चलो चिकन ही ला के बना देते हैं। चिकन सब हम लोगों के सोसाइटी में बिल्कुल सामने ही है, तो बस 2 मिनट लगता है लाने के लिए। तो गोलू को लेके गई मैं यहाँ पे, और उसके बाद चिकन लेके आई, और चिकन का रेसिपी देखिए, दूध वाला अगर मतलब बेल मारे ना एक बार ना खोलने से वो टांग के चला जाता है दूध वाला डोर पे, तो वो लगा के चला गया था, वही मैं आके रख रही थी घर में। और बस चिकन देखिए ये आ गया, उसके बाद गोलू यहाँ पे क्ले में खेलने लग गई थी, मैं चिकन रख के थोड़ा सा फैन में बैठने आ गई, काफ़ी पसीना निकल गया मेरा जाके आके ऊपर से नीचे, लिफ्ट हम लोगों का एक ख़राब हो गया है, अभी हम लोगों के साइड में 2 लिफ्ट है, एक ख़राब हो गया है, एक लिफ्ट है, तो वो लिफ्ट कभी कभी आधे रास्ते में अटक जाता है, मतलब सेकंड फ्लोर में कोई कोई खोल के रख देता है तो वहाँ पे ही अटका रहता है, फिर नीचे से सेकंड फ्लोर तक चल के आना पड़ता है, फिर वहाँ से लिफ्ट से। गोलू देखिए क्ले से क्या बनाई, टूटा हुआ स्केल में क्ले चिपका के भूत बना के मुझे दिखा रही थी वो। तो चलिए चिकन का एक रेसिपी मैं बता देती हूँ आज, ये देखिए मैंने 3 ऑनियन काटे हैं, मेरा अभी आज मैं 1/2 kg चिकन लाई हूँ, तो 1/2 kg हम लोगों का चिकन आता है क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं, गोलू भी खाती है आजकल, बट 1/2 kg मोर देन एनफ, पंकज नहीं खाते इतना चिकन क्योंकि उनका बहुत टाइम टूर ट्रैवल ऐसे रहता है ना, तो उनका ये मतलब पेट का डाइजेस्टिव का ये सब इशू रहता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वो इतना नहीं खाते हैं चिकन विकन, लेकिन दोनों ही नॉन वेज, मतलब मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों को नॉन वेज बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो और हर हफ्ते में मतलब 3-4 दिन तो बनता ही है नॉन वेज,
नॉनवेज मतलब पसंद है बट बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। चार पांच पीस खाया, तीन चार पीस खाया। मैं तो पांच पीस छह पीस खाती हूँ बट मेरे हस्बैंड तीन चार पीस इतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं कभी। तो देखिए, ऑनियन को पहले गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने भून लिया था, उसके बाद अदरक लहसुन और जीरा का मैं पेस्ट बना ली। उसके बाद इसमें ऑनियन जैसे ही भुन गया ना, उसके बाद ये मैंने मसाला डाल दिया है। मसाला आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन मसाले में मैंने थोड़ा पानी डाल के ग्राइंडिंग की थी, इजी पूरा फाइन पेस्ट बन जाता है, इसीलिए आपको पानी ही इसलिए ज़्यादा दिख रहा है बट सूख जाएगा तो इतना नहीं दिखेगा। तो बस इसमें नमक और हल्दी मिला दिया है मैंने। मैं इसमें आज मिर्ची का पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि गोलू के वो प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा कम खाती है वो मिर्ची होने से, इसलिए मैं आज मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। वो मैं कच्चा मिर्ची गोटा डाल दूंगी, तो जिसको खाना होगा वो अपना स्क्वीज करके अच्छे से मैश करके वो खा लेगा। तो देखिए, मसाला में ऑयल भी मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, इसे निकलेगा इसके बाद काफ़ी ऑयल, ऐसे अभी दिख नहीं रहा है ऑयल है। तो बस मसाला जैसे ही पक गया उसके बाद मैंने जो चिकन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मसाले को मैंने एक बार भूनने के बाद ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जब ऐसे ही नीचे लग गया ना थोड़ा पानी डाल के, उसको मैंने फिर से भून के सुखाया था। दो बार मैंने भून के सुखाया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है। और नॉर्मली देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि दो लेग पीस आज दिया है। नॉर्मली हाफ के जी चिकन लाने से ना कभी भी दो लेग पीस वो नहीं देता है, हमेशा एक ही लेग पीस आता है। बट आज मतलब उन दुकानी ने खुद ही पूछा कि दो लेग पीस दे दूँ क्या, उन्होंने बोला दे दूँ, नहीं की और पूछ पूछ। तो ये देखिए, ये एक बाथरूम है और एक बेडरूम में एक और बाथरूम है, हम लोगों का दो बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम है और वो कॉमन बाथरूम है। गोलू ने क्ले पूरा फैला दिया है यहाँ पे, तो पूरा चिपक जाएगा मतलब ये पे। तो इवनिंग को मैं क्लीन करूँगी, वो पोछा लगा दूँगी तो उठ जाएगा। तो देखिए, अभी देखिए कितना सारा ऑयल निकल आया है। तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, अभी चिकन का पानी से ही ये भून रहा है खुद से ही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी खाया, जब हम लोगों ने खाया बहुत टेस्टी था, गोलू को भी पसंद आया, मिर्ची भी नहीं था तो उसने खा लिया। मिर्ची होने से ना वो एक या दो पीस ही खाती है, नहीं खाती है इतना। मिर्ची नहीं होने से मतलब ऐसे तो मैं ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ बट पसंद नहीं करती। और ये सुबह का सब्जी देखिए, ये दालमा मैंने बनाया था ये, और उसमें भी थोड़ा सा राइस बिठाया था, सॉसपेन में बिठाया था कम लेने के लिए टिफिन में। बस अभी मैं हम लोगों के लिए यहाँ पे राइस बिठा रही हूँ और ये दालमा बिठाया था, और बड़ा ख़त्म हो गया है इसके लिए नहीं दिखा रही हूँ। राइस अभी बिठा दिया है मैंने अभी के लिए और रात के लिए, क्योंकि पंकज तो अभी चिकन नहीं खाएंगे तो वो रात को आके खाएंगे। तो राइस मैंने अभी एक बार में बना दिया, रात को रह जाएगा। तो बस देखिए, चिकन कोसा जैसे ही हो जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, मैंने इतना पानी ऐड किया है। इसके बाद बस हमको 10 मिनट इसको पकाना है ढक के, उसके बाद ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो धनिया पत्ता अगर आपके पास हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने कोई भी आज कुछ भी चिकन मसाला, गरम मसाला, कोई मसाला नहीं डाला, सिंपल प्याज अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट, इसी सब से मैंने ये बनाया है। बहुत टेस्टी बना था। और जो कच्चा मिर्ची डाला है ना वो आप थोड़ा सा मैश कर लीजिए और अच्छा लगता है। तो देखिए, ये भी मेरा बन के रेडी हो गया है। तो बनाने के बाद मैं जैसे ही बाहर आई ना, तो देखिए यहाँ पे बारिश के लिए पूरा मतलब बादल ऊपर आ गए थे, अभी बारिश होगा आज फिर से। तो देखिए खाना रेडी है। गोलू एक ही पीस खाती है, मतलब लेग पीस होने से वो बड़ा पीस होता है ना, तो एक ही पीस खाती है, नहीं तो वो दो तीन खाती है, नहीं तो लेग पीस होने से एक ही खाती है। और उसके लिए हमेशा लेग पीस आता है, और जो कलेजी वगैरह होता है वो सब भी आता है, वो कोसा के टाइम पे ना, जब कोसा बनता है उसी टाइम पे वो सब खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं भी खा रही थी और गोलू को भी साथ में मैं अपनी खिला रही थी। वो पसंद नहीं करती है, उसको खाना आज तक वो नहीं सीखे कोई भी, मतलब जैसे उसका मन पसंद का ज़्यादा चिप्स या मूढ़ी ऐसे ये सब होने से वो खुद से खा लेती है। कभी कभी मैं उसको बिठाती भी हूँ बट आप देखते होंगे बहुत पतली है ना, उसको वो खाना खाना इतना इन्जॉय नहीं करती है, और पता नहीं बचपन से ही ऐसी है दुबली पतली सी, तो खाना खाना इतना एंजॉय नहीं करती है। तो मैं इसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, कभी कभी करती भी हूँ, रोती भी है वो, खाना खिला दो बोलती है, बट अभी उसका मन पसंद का था तो मैंने सोचा कि मैं ही खिला देती हूँ, नहीं तो वो फिर से नहीं खाएगी, उठ के चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, साथ में उसको भी खिला रही थी मैं।
बस उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग एज यूजुअल हम लोग का रूटीन होता है, खाना खाने के बाद मैं उसको सुला देती हूँ। आज तो शनिवार है तो उसका स्कूल ट्यूशन नहीं है, और जितना बजे तक चाहे वो सोएगी। देखिए पूरा काला बादल हो गया है, उस तरफ पूरा लाइट है, अभी यहाँ से पूरा काला बादल आ रहा है, बारिश होगा उसके बाद। तो बस गोलू को उसके बाद मैंने सुला दिया था, वो बदमाशी कर रही थी, सोने को नहीं मान रही थी, तो बस मैंने जबरदस्ती लेकिन उसको सुलाया। और सो के हम लोग उठे, वो ऑलमोस्ट 6:30 6:30 बजे उठी। उसके बाद फिर से मैं, उसका इवनिंग टाइम का होता है, ट्यूशन से आने के बाद दूध ये सब खाती है, बट मूढ़ी खाने को बोला उसने, तो मैंने बोला कि ठीक है मूढ़ी खाओ, बट उसके साथ चिकन भी खाना पड़ेगा। तो हम लोग के साइड में मूढ़ी बहुत खाते हैं, तो बस मैं उसको मूढ़ी और चिकन खिला रही थी यहाँ पे। उसके बाद पंकज आ गए, तो वो खाना खा रही थी, उसी बीच में पंकज आ चुके थे, तो वो लाए थे आलू चप और बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लौंका चप शायद, तो जो शिमला मिर्च होता है ना, शिमला मिर्च नहीं, जो मिर्च होता है बड़ा बड़ा मिर्च, लौंका चप, वो सब लेके आए थे। तो बस मैं आलू चप खा रही हूँ, उसके साथ ये चटनी, कुछ अचार का चटनी है शायद, तो ये वाला खाया मैंने, जो नमकीन वाला अचार आता है ना, वही वाला अचार, और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्ले लगा हुआ है। तो खाने के बाद उसको फिर मैंने क्लीन भी कर दिया था, गोलू नेल पुलिस भी लगा रही है, अभी घर में रहेगी ना, पता नहीं क्या क्या करेगी। फिर इवनिंग को बस पंकज आ गए थे, तो गोलू अपना जो होमवर्क आया था ना, उसका स्टिकर विकर कुछ लगाना था, डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल, तो वही लाने के लिए गई थी, तो मैं नीचे वॉक करने के लिए आ गई थी। और पंकज उसके बाद इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो वो अपना निकल गया, हम दोनों घर पे आ गए गोलू और मैं। तो बस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।